हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पेपर जो है 2023 के अंदर कंडक्ट किया गया। इस एग्ज़ाम के अंदर हम डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रिसेंट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके अंदर जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है जूनियर असिस्टेंट का, उनके लिए वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगेन मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था, आज के वाले वीडियो में मैं वापस आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन जो है डेट एक्सटेंशन का आ चुका है। 16 अक्टूबर तक आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 अक्टूबर तक ये डेट निकाली गई है, अपने फॉर्म को आप जरूर फिलअप कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले हमने किए थे 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा ये हम करेंगे 26 क्वेश्चन से। आप कोशिश कीजिए पहले वीडियो को पास करें, पास करके फिर अपना राइट आंसर जहाँ पे बताते जाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। सो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। द थीम ऑफ इंडिया G20 समिट 2023, जो 2023 का G20 का समिट हुआ था इंडिया के अंदर, उसका थीम क्या था? यहाँ पे अहिंसा परमो धर्मा, प्रवासी लोका अनुग्रहकर्ता, अयाम बदुरयम नीति, जहाँ वासुदेवा कुटुंबकम। कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा डी। इसका जो आंसर जो है ये डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जी ट्वेंटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है, इंडिया में है, जिनेवा में है या नाना अबावन? तो ये एक जहाँ पे अगर देखें तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है, और इस ट्रिकी क्वेश्चन के अंदर आप सबको हो सकता है मे बी सभी स्टूडेंट्स को ना बताओ, बट जो G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, सो आंसर आपका बनेगा नाना अबावन। बहुत सारे बच्चों के द्वारा जिनेवा या ब्रुसेल्स टिक किया होगा, तो या इंडिया टिक किया होगा, तो आपको बता दूं जहां पे नाना तब वो आंसर आएगा जहां पे हेडक्वार्टर G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। हु रिसीव नोबल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023, 2023 के अंदर नोबल पीस प्राइज किसको मिला था? जॉन फोर्स को, ड्र्यू विलियमसन को, नरगिस मोहम्मदी को या क्लोडिया गोल्डिंग को? तो इसका आंसर आपका बनेगा आंसर सी, नरगिस मोहम्मदी को मिला था 2023 का नोबल पीस प्राइज। क्वेश्चन नंबर 29, जो 19 ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज की मीटिंग हुई है ये कहाँ पे हुई है? जयपुर राजस्थान के अंदर, श्रीनगर J&K के अंदर, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर या हैदराबाद तेलंगाना के अंदर? सो इसका सीधा आंसर बनेगा श्रीनगर J&K के अंदर, आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू RS-75 क्वाइन टू मार्क द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इट कंसिस्ट एन इंस्क्रिप्शन ऑफ रिटर्न इन देवनगरी। बताइए इसका सत्यमेव जयते है, अहम ब्रह्मशी है, संसन संकुल है या वासुदेवा कुटुंबकम है? सो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका रहेगा जहाँ पे आंसर सी, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 31, हु प्रेजेंटेड सिंगोल टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू? तो ये किसने प्रेजेंट किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, SC बोस, महात्मा गांधी या B.R. अम्बेडकर? हु प्रेजेंटेड सिंगोल टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? सो आंसर आपका बनेगा लॉर्ड माउंटबेटन, आंसर आपका बनेगा ए, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट माटी बनाना गॉट GI टैग रिसेंटली? कौन सी स्टेट को मिला जी माटी बनाना का GI टैग? गुजरात को, J&K को, तमिलनाडु को या कर्नाटका को? सो 32 का आंसर क्या रहेगा? 32 का आंसर जो रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा बी, तमिलनाडु को, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द UT ऑफ लद्दाख? कौन सी रामसर साइट जो है लद्दाख UT के अंदर है? लोकटक लेक, शलवग वेटलैंड, डल लेक, सोकर लेक? सो इसका आंसर आप आसानी से बता पाओगे, सो इसका आंसर बनेगा आंसर सी, सोकर लेक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मून मिशन Chandrayaan-3? विक्रम साराभाई, एस सोमनाथ, ऋतु करिधल, श्रीवास्तवा या पी ब्रह्मो तुवल, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा।
सो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या रहेगा? 34 का आंसर आपका डी बनेगा. क्या बनेगा? आंसर डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35, विच लॉन्चर इज यूज फॉर चंद्रयान 3? कौन सा लॉन्चर जो है चंद्रयान 3 के लिए यूज किया गया है? कौन सा लॉन्चर चूज किया गया है चंद्रयान 3 के लिए? GSLV, LBSM, GSLV MK3 या PSLV? सो उसका आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका सी बनेगा, जहाँ पे GSLV मार्क 3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन आउटलाइन 7 प्रायोरिटीज इन द यूनियन बजट. कौन सी 7 प्रायोरिटीज थी 23 के अंदर जो बजट प्रेजेंट किया गया? कॉलिंग इट ब्लैंक दैट विल गाइड इंडियाज विजन ड्यूरिंग अमृत काल. बताइए इसका आंसर. सौम्या है, आत्मनिर्भरा है, सप्तऋषि है या संप्रदा है? सो क्वेश्चन नंबर 36 का सीधा आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा, सप्तऋषि इसका राइट आंसर है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37, विच वर्ड हैज बीन रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट वर्ड ऑफ द यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख. स्टेट वर्ड कौन सा है यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख का? कलीज फिजेंट, ब्लैक नेक्ट क्रेन, पासर डोमेस्टिकस या एस्पिटर जेंटलिस? सो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 37 का आंसर आपका बनेगा बी, ब्लैक नेक्ट क्रेन. ठीक है, जो कि पहले J&K का था. अब J&K का जो है स्टेट वर्ड यूटी वर्ड कौन सा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 38, अब्राहम अकॉर्ड इज द नेम गिवन टू द कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन बिटवीन. ये किसके बीच हुआ था? इसराइल पैलेस्टीन और इजिप्ट के बीच, इसराइल UAE इंडिया के बीच, यूनाइटेड स्टेट पैलेस्टीन एंड इसराइल के बीच, या यूनाइटेड स्टेट UAE एंड इसराइल के बीच? बताइए इसका आंसर. नेक्स्ट जे हुआ था यूनाइटेड स्टेट UAE इसराइल के बीच. सो आंसर आपका क्या बनेगा? डी इसका बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में रिसेंटली. सीक्स टू रिमूव, किसको रिमूव करने के लिए? फ्रॉम द पैनल टू सेलेक्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर. तो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन, नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो उसमें से जो रिमूव किए गए हैं, तो जहाँ पर रिमूव की बात किसकी की गई है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के. आंसर आपका क्या बनेगा? डी बनेगा. क्वेश्चन नंबर 40, ब्लैंक इज द कंट्री फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन विच हैज बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज अ वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन. डल लेक है, रूपकुंड लेक है, पेंगोंग लेक है या सोमरोरी लेक है? सो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? इसका आंसर आपका बनेगा बी, दैट इज पेंगोंग लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द वीमेन्स रिजर्वेशन बिल? इसका ऑफिशियल नेम क्या है? नारी शक्ति बंधन अभियान, नारी सेवा बंधना एग्रीमेंट, नारी शक्ति बंधना अभिनियम, नारी शक्ति विजय एक्ट? सो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका ए बनेगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आदित्य L1 फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास होल्डर मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन. इसको लॉन्च कब किया गया? इसको किया गया 2 सितंबर 2023 को. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 की, हु बिकेम द फर्स्ट IAF वीमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड? दीपिका मिश्रा, गीता राणा नेगी, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी? सो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका ए बनेगा, दीपिका मिश्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 की, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI? डायरेक्टर जनरल कौन है CBI के? AK सूद है, AK झा है, प्रवीण सूद है या प्रमोद कुमार है? सो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा सी, प्रवीण सूद इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, मैच कीजिए मैच द फॉलोइंग. ठीक है. तो जहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पे डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है, अगर बात करेंगे तो डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड. ठीक है. फर्स्ट का क्या बनेगा आपका? फर्स्ट का डी बनेगा. सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका सुधा मूर्ति है ना, तो सुधा मूर्ति को ये अवार्ड जो मिला है, ये मिला है ग्लोबल इंडियन अवार्ड. ठीक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड. दूसरे का क्या आएगा? दूसरे का आपका ए आएगा. ठीक है. थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड आपका बनेगा जहाँ पे धनंजय वाई चंद्रचूड़, इनको जो अवार्ड दिया गया है, जो दिया गया है ग्लोबल लीडरशिप का, तो थर्ड का क्या बनेगा? थर्ड का आपका बनेगा बी. फोर्थ का उधमपुर मिलिट्री स्टेशन बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन. ठीक है, दूसरे आपका फोर्थ का सी बनेगा. ठीक है, तो फोर्थ का बनेगा सी. सो इसको अगर आप देखिए, वन का डी, ए दो, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी. सो आंसर आपका सी बनेगा, सी इसका राइट आंसर है. ठीक है. हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 74 रिपब्लिक डे 2023 एट न्यू दिल्ली?
इसमें बताइए आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 74 रिपब्लिक डे 2023 एट न्यू दिल्ली। इसका आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर करते रहिएगा। तो उसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा अब्दुल फतेह इल सिसी, ठीक है, इसका आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें से आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो ए डब्ल पी यू की फुल फॉर्म जो है वो है आसियान पैसिफिक पोस्टल यूनियन, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर पी की बीम की भारत इंटरफेस फॉर मनी, बिल्कुल सही है। थर्ड की यूपीआई यूनिलेटरल पेमेंट इंटरफेस, जहाँ पे यूनिफाइड क्या है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आंसर आपका गलत है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट आपकी गलत है बीम्स बजट एस्टिमेशन ये ठीक है। तो आंसर आपका इनकरेक्ट नॉट करेक्ट पूछा गया, तो आंसर आपका क्या बनेगा आंसर सी बनेगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च की अग्निपथ स्कीम, तो यूनियन मिनिस्टर आप सभी जानते हैं कौन है, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, अमित शाह होम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो राजनाथ सिंह हैं, श्री राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है यूनियन मिनिस्ट्री, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च की अग्निपथ स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 की, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे, जिसमें मैच द फॉलोइंग करना आपने। तो उसमें अगर आप देखें तो वीर गार्जियन 2023, इसका जो आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर आपका जहाँ पे ये बनेगा सी, ये है इंडियन एयरफोर्स एंड जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है। सेकंड नंबर वरुणा की बात करेंगे, तो वरुणा का जो आंसर आपका बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा डी, यानी कि आपका बनेगा इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी, ठीक है। साइक्लोन वन की बात करेंगे तो उसका आंसर आपका बनेगा इंडियन आर्मी एंड इजिप्टियन आर्मी। और फोर्थ की बात करें तो जो आपका तर्कश बनेगा 23 इंडिया एनसीसी एंड यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, ठीक है। सो आंसर आपका क्या बनेगा डी, इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज ऑफ इन इंडिया, कौन से एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज को चेंज करके जो न्यू लॉज लाए गए हैं, तो कीजिए इसका आंसर। भारतीय नया संहिता 2023 ये भी लाया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये भी लाया गया है, भारतीय सक्षा बिल, यानी कि ये सारे के सारे आंसर क्या रहे हैं, सारे के सारे ये बिल्कुल सही हैं। तो आंसर आपका डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर है। तो आज का वीडियो हम जहाँ तक ही रखेंगे, 25 क्वेश्चन आज वापस हमने किए हैं, 25 में से कितने क्वेश्चन आते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा वीडियो अपनी राय जरूर दीजिएगा, चाहते हैं आप इस सीरीज़ को मैं और कंटिन्यू करूं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।